रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। जब हमारी शादी हुई तब हमने भी रस्म निभाई थी, और गलती से कहूं या जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था मैंने, मगर आप मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं तो कहता हूँ एक डोंगा और मंगा लेते, आज बदला पूरा कर लो। हटो हटो चीजू, आप हाउस टीम में कब चले गए? नहीं मैं तुम्हारी तो टीम में हूँ। हाँ थोड़ी क्या तुम्हें? यस कमांड सब यार, क्या करो यार, तुम दोनों ढूंढ के मेरे ढूंढ रहे हो या दूध को हिला हिला के उसका दही बना रहे हो? सीरियसली यार विराट, अब तक तो अंगूठी भी तंगों की बोल रही हो कि मैं बाहर ही कूद जाती हूँ। भाई मुझे लग रहा है इसके अंदर अंगूठी है ही नहीं, चीटिंग हो रही है हमारे साथ। क्या कह रहे हो बेटा, मैंने खुश लोग को दी थी और बोला था दूध के बर्तन में डालने को, मुझसे कहा था कब? अबे आज से हमारी बेटी आपकी हुई। मैं जानती हूँ मालवी का स्वभाव कुछ अलग सा है, थोड़ी सी नटकट, थोड़ी सी नादान है। जीविका की तरह उसमें समझदारी या स्थिरता नहीं है, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। मैं आप सब लोगों को एक वचन देती हूँ, मेरी बेटी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, और अगर अनजाने में उसे कोई गलती हो गई या कोई भूल जाए बेटी, तो मैं उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दूंगी। आप मानवी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने तो आज तक कभी जीविका को भी एक बहू की नजर से नहीं देखा है, हमेशा उसे बेटी माना है। और आज से तो मेरी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। मेरी दोनों बेटियां कितनी खुश नसीब है कि उन्हें आप जैसा घर और आप जैसे लोगों का साथ भी मिला है। नहीं बेटी, खुश नसीब तो हम लोग हैं जिन्हें जीविका और मानवी के रूप में दो अनमोल हीरे मिले हैं जो इस घर का भविष्य है। मानवी तो इस घर में एक जिंदगी बनकर आई है खुशियां बिखेरने के लिए, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मानवी दी, आज आपकी विदाई हो रही है, कम से कम रियल में नहीं तो रोने का थोड़ा बहुत एक्टिंग ही कर दो। मैं क्यों रो? अरे मेरी शादी हुई है, जितना खुशी का देना, और फिर मैं कौन सा विदा होके पराए घर जा रही हूँ, मैं तो अपनी दी के घर जा रही हूँ। बीजी आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, और वैसे भी मैं कौन सा अपने ससुराल जा रही हूँ, वो क्या कहते हैं उसे बहन का, और जहाँ मेरी दीदी हो वहां जाने के लिए रोना कैसा, और फिर उनके साथ साथ मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार जो मिला। हाँ हाँ सभी लोग या सिर्फ विराट? विराट तो है ही चाची, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे लोग भी, आपने देखा नहीं कैसे इन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, ऐसा परिवार पाके कोई रो कैसे सकता है? इसका मतलब तुझे अब हमारी याद नहीं आएगी चाची। याद उनकी आती है जिनको जिनको हम भूल जाते हैं। उठ बेटा, विदाई का वक्त हो गया है।
जीविका बेटा, अब मानवी सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन नहीं है, अब देवरानी भी है। हाँ जी जिठानी जी, तो आगे इस तरफ आइए और अपनी देवरानी जी का स्वागत कीजिए, आरती कीजिए। अपने ससुराल में स्वागत है आपका देवरानी जी। थैंक यू दी। जेठानी दी जी। ले इधर भी दी लगा दिया। बेटा अपना सीधा पैर आगे करके एक कलश गिरा दो और घर में गृह प्रवेश करो। वैसे तो ये घर तुम्हारे लिए नया नहीं है, लेकिन बहू के रूप में तुमने इस घर में पहली बार कदम रखा है, इसलिए पूरा वडेरा परिवार तुम्हारा स्वागत करता है। वेलकम टू वडेरा फैमिली। थैंक यू। मनु अब जाके आराम कर ले। अरे हेलो, ऐसे कैसे? हाँ तुम जिठानी हो ना, और जिठानी होकर अपनी देवरानी को आराम करने के लिए कह रही हो? इतनी ढील मत दो। क्यों भाभी? पर चाची मनु अभी अभी आई है, थक गई होगी। तो क्या हुआ, अभी से रोप झाड़ोगी तो जिठानी बनकर रहोगी। एक काम करो, मानवी से कहो कि हम सबके लिए चाय बना कर लाए। ठीक है, मैं चाय बना दूंगी, पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे इंडियन चाय बनानी नहीं आती, मुझे स्पेशल टर्किश चाय बनानी आती है। क्या टर्किश? हाँ चाची, जो सिर्फ मेरे पति देव को पसंद है, ऐसी चाय जो करेले से भी कड़वी हो, इमली से भी खट्टी। नहीं नहीं देवरानी जी, इस घर में ऐसी चाय कोई नहीं पीता। क्या आपके पति देव ही पी सकते हैं? तो ठीक है जेठानी जी, आप मुझे कोई और हुक्म दे सकती है? तो जेठानी का हुक्म ये है कि आप सारे बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सदा सुहागन रहो बेटा। मानवी, अब हम दोनों इतने बड़े भी नहीं हुए कि तुम्हें हमारे पांव छूने पड़ेंगे। मनु तो सच में मुझे अपनी जेठानी समझने लगी। नहीं दी, जीजू आप दोनों को मैंने कभी भी अपने मम्मी पापा से कम नहीं समझा। अदी आपने तो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला। मानवी जी, आपने सबके पैर छू लिए, मेरे पैर कब छूएंगे आप? मेरे प्यारे पति थे, आपका तो मैं ऐसा पैर पकड़ूंगी ना कि जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। अरे 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 रुको रुको रुको, अभी से तू तो मैं शुरू कर दी। दुल्हा जी दुल्हन जी कुछ रस्में हैं जिन्हें खत्म करनी है, उसके बाद झगड़ते रहिएगा। चलिए अंगूठी की रस्म करनी है। अरे चलिए सब लोग चलिए। तो अब शुरू होता है अगला मैच, मानवी भाभी वर्सेस विराट भैया।
जो भी इस दूध के बॉल में से सबसे पहले अंगूठी को बाहर निकालेगा वो इस मैच का विनर होगा। वैसे दूल्हे राजा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आज जीतेगी हमारी दुल्हनिया ही, इसलिए मैं तो भाई दुल्हनिया की साइड हूँ। मानवी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी मानवी की तरफ। विराट सॉरी यार, आज के दिन माफ कर दे। और मैं भी मानवी साली की तरफ हूँ। वैसे साली साहिबा, मैं भी तुम्हारी साइड पर। वेरी नाइस, मेरे घर के सारे लोग तुम्हारी तरफ होंगे, मेरी तरफ कोई है ही नहीं। ऐसा किसने कहा? मैं हूँ ना, सिखाते इस नई देवरानी को। देवर जी, जीत आपकी होगी। दी, आप अपनी बहन को छोड़ के। बहन, तू इस घर में नई नई देवरानी है, देवर मेरा पुराना है। ठीक है ठीक है, जीविका जी आप साथ दीजिए अपने दीदी के दीवाने देवर का। जीत तो हमारी बहुरानी की होगी। जीत बहुरानी की होगी या उनके प्यारे देवर की, तो तब होगी ना जब गेम शुरू होगा। अबे रुको, काउंटडाउन। थ्री टू वन गो। अरे यहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा है। अरे छोटी सी रस्म निभाई जा रही है जिससे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के करीब आए, लेकिन इन दोनों को देखो, लड़ लड़ के एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। अरे कंट्रोल, अरे अरे क्या कर रहा हूँ। वैसे याद है तुम्हें जब हमारी शादी हुई थी तब हमने भी रस्म निभाई थी, और गलती से कहूँ या जानबूझकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था मैंने। आप मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं तो कहता हूँ एक डोंगा और मंगा लेते, आज बदला पूरा कर लो। हटो हटो चीजू, आप हाँ। टीम में कब चले गए? नहीं मैं तुम्हारी तो टीम में हूँ। हाँ थोड़ी क्या तुम्हें? यस कौन सब यार, क्या करो यार, तुम दोनों ढूंढ के मेरे। ढूंढ रहे हो या दूध को हिला हिला के उसका दही बना रहे हो? सीरियसली यार विराट, अब तक तो अंगूठी भी तंग होकर बोल रही हूँ कि मैं बाहर ही कूद जाती हूँ। भाई मुझे लग रहा है इसके अंदर अंगूठी है ही नहीं, चीटिंग हो रही है हमारे साथ। क्या कह रहे हो बेटा? मैंने खुश लोग को दी थी और बोला था दूध के बर्तन में डालने को। मुझसे कहा था अबे ओह सॉरी, मैं अंगूठी अपनी जेब में ही भूल गया था। सॉरी मानवी दी, मुझे लगा कि मैं भी टप्पू भैया की तरह अंगूठी घुमा दूंगा, इसलिए मैंने उसे संभाल कर रख दिया। बेटा अब अंगूठी दे, हम अपनी रस्म शुरू करें। हाँ ला। अबे रुक। थ्री टू वन गो। भाई इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार, ना किसी की जीत ना किसी की हार, बस प्यार ही प्यार बेशुमार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।